दोस्तों, जब भी हम अपने फोन में फ्री फायर, पबजी वगैरह कोई भी गेम खेलते हैं, तो उस टाइम पे कभी कभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या आती है कि हमारे पास बार बार कॉल्स आते रहते हैं, बार बार हमारे पास मैसेज आते रहते हैं, तो उसकी वजह से मैं काफी डिस्टर्ब होता हूँ और हम ठीक से गेम नहीं खेल पाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी धांसू ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आप जब भी कोई गेम खेलेंगे तो उस टाइम पे जब तक आप गेम खेलेंगे आपके फोन पे ना तो कोई मैसेज आएगा ना ही कोई कॉल आएगा। तो अगर आप भी इस ट्रिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सब वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं दो मेथड आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट मेथड, हो सकता है कि आपके फोन में यह ऑप्शन हो, सेकंड, हो सकता है कि आपके फोन में यह ऑप्शन ना हो। तो अगर आपके फोन में यह ऑप्शन है तो आपके लिए काफी इजी है, लेकिन अगर आपके फोन में यह ऑप्शन नहीं है तो उसका भी तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जान लेते हैं फर्स्ट तरीके के बारे में। तो इसके लिए आपको ऊपर से नीचे की साइड सेलेक्ट करना और आपका जो ये डैशबोर्ड होता है, आपका जो नोटिफिकेशन पैनल होता है, इसमें आपको एक ऑप्शन को सर्च करना होगा DND के नाम से। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं DND यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब के नाम से एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। आप जब भी गेम खेलना चाहें आप सिंपली इसको यहां से एनेबल कर दीजिए। इसको एनेबल करने के बाद अब आप जब भी कोई गेम खेलेंगे तो ना तो आपको कोई साउंड आएगा कॉल का, ना आपके पास किसी तरह कोई नोटिफिकेशन आएगा, आपके सिर्फ नोटिफिकेशन पैनल में उसका मैसेज शो होगा। तो ये तो होगा उन लोगों के लिए तरीका जो लेटेस्ट वर्जन का फोन यूज करते हैं, जिनके फोन में ये ऑप्शन अवेलेबल है। अब चलिए बात कर लेते हैं उन लोगों की कि अगर आपके फोन में ये ऑप्शन नहीं है और आप गेम खेलना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि जिस टाइम आप गेम खेलें आपको किसी भी तरह का कोई कॉल वगैरह से या मैसेज वगैरह से डिस्टर्ब हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो उसके लिए दोस्तों, मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक दिया। सबसे पहले उस लिंक पर क्लिक करके एक छोटी सी एप्लीकेशन आपको अपने फोन में इंस्टॉल करनी होगी। तो चलिए, मैंने उस एप्लीकेशन को ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ, तो मैं डायरेक्ट आपको उस एप्लीकेशन को ओपन करके दिखा देता हूं। तो जैसे आप इस एप्लीकेशन को फर्स्ट बार ओपन करेंगे कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन होगी। इसका नाम है दोस्तों गेमिंग मोड। चलिए इस एप्लीकेशन को ओपन होने देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन यहां पे ओपन हो चुकी है। ओपन होने के बाद यहां पर आपको स्टार्ट प्रीमियम का ऑप्शन मिलता है, तो हमें प्रीमियम वर्जन में जाने की जरूरत नहीं है। आपको नीचे ट्राई लिमिटेड वर्जन पर टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा दोस्तों कि नीचे आपको एक प्लस का आइकन देखने को मिल रहा है, आपको सिंपली इस प्लस वाले आइकन पर टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो आपके फोन की जितनी भी एप्लीकेशन होंगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब आपको उस गेम को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना जिस गेम को खेलते टाइम आप नहीं चाहते कि आपके पास कॉल या SMS या नोटिफिकेशन वगैरह आए। तो चलिए, जैसे कि मैं यहाँ से फ्री फायर को सर्च करके उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा फ्री फायर हमें मिल चुका है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऊपर आपको सेव के बटन पर टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पे इसके जस्ट बगल में एक सेटिंग का आइकन देखने को मिल रहा है, आपको सेटिंग वाले आइकन पर टैप करना है और इस पर टैप करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको फ्री फायर के ऊपर जो बटन मिल रहा है इस बटन को यहाँ से ऑन कर देना है। इस बटन को ऑन करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने होंगे, ऑटो कॉल रिजेक्ट, ब्लॉक व्हाट्सएप कॉल और नोटिफिकेशन ब्लॉकिंग। इन तीनों को आपको 1x1 करके यहाँ से अलाउ करते जाना है। चलिए मैं इनको यहाँ से अलाउ कर देता हूँ, इसकी परमिशन को ओके कर देते हैं। चलिए इसकी भी परमिशन हम ओके कर देते हैं। इसके बाद जो परमिशन हमसे मांग रहा है गेमिंग मोड की, इसकी एप्लीकेशन की परमिशन को हमको यहाँ से अलाउ कर देना है। तो चलिए इस परमिशन को भी मैं यहाँ से अलाउ कर देता हूँ। चलिए हमने परमिशन अलाउ कर दी, इसके बाद आपको इसे बैक ले लेना है। जैसे आप बैक लेंगे फिर से उसी इंटरफेस पे आ जाएंगे। अब आपको करना क्या होगा दोस्तों कि आपको यहाँ पे जो फ्री फायर आपका नजर आ रहा है इसके सामने आपको एक छोटा सा प्ले बटन देखने को मिल रहा है। जब भी आपको यहाँ पे फ्री फायर खेलना हो आप इस प्ले बटन पर टैप करेंगे और इस प्ले बटन पर टैप करके ही आपको यहाँ पे फ्री फायर खेलना है। इस तरह से अगर आप फ्री फायर खेलेंगे या कोई भी गेम आप खेलेंगे तो उस टाइम पे जब तक आपका गेम प्ले होता रहेगा तब तक आपके पास ना तो कोई व्हाट्सएप कॉल आएगा, ना कोई कॉल आएगा, ना कोई किसी तरह का SMS या नोटिफिकेशन आपको परेशान करेगा। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो गेम आपने यहाँ पे ऐड किया है इसके सामने जो प्ले बटन है इस पर टैप करके आपको इस गेम को यहाँ से प्ले करना है, आपको यहाँ से अपनी होम स्क्रीन पर से प्ले नहीं करना है। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आप भी नहीं चाहते कि गेम टाइम आपको किसी भी तरह का कोई डिस्टर्ब हो तो आप इस एप्लीकेशन या इस ट्रिक की हेल्प से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।